जब से ये सृष्टि बनी है और जब से मानव ने विचार करना प्रारंभ किया है, न केवल मानव अपितु इस संसार में अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं अथवा जितने भी जीव हैं, उन सभी का एक स्वभाव होता है। कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो सभी में समान रूप से पाए जाते हैं, और वो स्वभाव क्या है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अथवा प्रत्येक चेतना प्रेम, शांति और आनंद पाना चाहती है। कोई भी प्राणी नहीं होगा, कोई भी जीव नहीं होगा अथवा मनुष्य में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो प्रेम, शांति और आनंद की इच्छा ना रखता हो। और उस आनंद की खोज में मनुष्य अलग अलग स्रोत में आनंद को खोजता फिरता है, और सबसे पहले वो खोज कहां पर करता है? एक व्यक्ति घर पहुंचा शाम को अंधेरे में, उसकी माँ कुछ ढूंढ रही थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि माँ क्या ढूंढ रही हो? माँ ने कहा कि सुई कहीं पर गिर गई थी, वो मैं ढूंढ रही हूं। तो वो लड़का भी खोजने लग गया माँ के साथ साथ में। जब काफी देर तक सुई नहीं मिला तो उसने पूछा कि अच्छा माँ, सुई गिरी कहां पर थी? तो माँ ने कहा कि अंदर कमरे में। तो बेटे ने कहा कि आप फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो माँ ने कहा कि अंदर अंधेरा था और बाहर उजाला, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूं। ये कहानी मनुष्य की उस मानसिकता को दर्शाती है कि मनुष्य जहां किसी वस्तु अथवा किसी ज्ञान की प्राप्ति होनी हो, ऐसे जगह पर खोज नहीं करता, अपितु सबसे पहले वो उस स्थान में खोजना चाहता है जो उसके लिए सुलभ हो, भले ही वहां पर लक्ष्य प्राप्ति की संभावना हो अथवा ना हो। तो मनुष्य ने प्रेम, शांति और आनंद को उन स्थानों पर खोजना प्रारंभ किया जहां उसको खोजने में सुलभता अथवा सरलता का अनुभव हो रहा था। तो उसने सबसे पहले बाहरी सुख में अथवा इंद्रियों से प्राप्त होने वाले क्षणिक आनंद में सुख को खोजना प्रारंभ किया, शाश्वत सुख को खोजना। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख शाश्वत नहीं है। हो सकता है कि मेरी इस बात से कई लोग असहमत हों, लेकिन वास्तविकता यही है। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का सहारा लेते हैं। हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हैं सभी जानते हैं, जिन इंद्रियों से हम सुख लेते हैं, जिनको हम ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होने वाले सुख कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांच ज्ञानेन्द्रियों के अलग अलग विषय हैं। कोई किसी को कान से प्राप्त होने वाले मधुर संगीत के सुख में आनंद आता है, किसी को जिह्वा से प्राप्त होने वाले स्वाद के सुख में आनंद आता है, किसी को नेत्रों से प्राप्त होने वाले सुंदर दृश्यों के अवलोकन में अथवा उसको देखने में आनंद की प्राप्ति होती है, तो किसी को त्वचा के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले स्पर्श के सुख में आनंद का अनुभव होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सभी जो सुख हैं वो शाश्वत न होकर के क्षणिक हैं, और इन सुख को लेने के लिए भी पहले हमें दुखी होना पड़ता है। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि आपको जिह्वा के द्वारा स्वाद ग्रहण का आनंद मिले, मान लीजिए आप में से किसी को रसगुल्ला पसंद है, तो सबसे पहले उस रसगुल्ला के स्वाद को लेने के लिए, अभी सब लोग अगर खाना खा करके बैठे हुए हैं तो उसका स्वाद नहीं आएगा, तो उसके लिए पहले भूख रूपी दुख से स्वयं को दुखी करना आवश्यक है। बिना भूख के दुखी हुए व्यक्ति जिह्वा के स्वाद का रस भी नहीं ले सकता। तो पहली बात, उस क्षणिक आनंद के लिए भी पहले से हमें दुखी होना आवश्यक है, और दूसरा, उस क्षणिक आनंद
को प्राप्त करते हुए भी कुछ समय के बाद हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। जैसे रसगुल्ले की ही अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति को 10 रसगुल्ला दिया जाए तो वो 2, 4, 6 तक तो खाएगा, लेकिन 10 तक तो जबरदस्ती हो जाएगी। और उसके बाद अगर उसके सामने बंदूक तान करके अथवा जबरदस्ती ये कहा जाए कि 10 और खाना पड़ेगा तुझे, तब उसकी अवस्था कैसी होगी? जिस मिठाई में उसे पहले सुख का अनुभव हो रहा था, उस सुख को प्राप्त करने के लिए पहले उसे दुखी होना पड़ा, और कुछ क्षण के बाद उसी सुख की अधिकता के कारण भी उसे दुखी होना पड़ा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस संसार में कोई भी सुख शाश्वत नहीं है। ये तो केवल एक रस रूपी सुख की मैंने बात की। अगर हम बात करते हैं श्रवण के द्वारा, कानों के द्वारा संगीत के सुख की, तो उसमें भी शाश्वतता नहीं है। आप किसी एक संगीत को, अगर संगीत के एक राग की बात की जाए जिसको एक ही व्यक्ति ने गाया हो, आप अधिक से अधिक कितनी बार सुन सकते हैं? 10 बार, 12 बार, 50 बार सुन लेंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको जीवन भर इस एक राग, इस एक संगीत के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, तब आप उसको सुनना कुछ समय के बाद बंद कर देंगे, क्योंकि आप उससे ऊब जाएंगे। और जबरदस्ती अगर आपके कान में बजाया जाएगा वही संगीत, तो आप उससे दुखी होने लग जाएंगे। एक ही स्थान में, अगर नेत्रों की बात करते हैं रूप के सुख की, एक ही स्थान में अगर आप बार बार घूमने के लिए जाएं, आपको पसंद नहीं आएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वो परिवर्तन चाहता है। एक ही स्वाद से वो व्यक्ति सुखी नहीं होता, स्वाद में भी उसको परिवर्तन चाहिए। एक ही प्रकार के संगीत से भी वो सुखी नहीं होता, एक ही प्रकार के दृश्य को देखने से भी सुखी नहीं होता। तो इसी तरह प्रत्येक इंद्रियों के सुख की बात है। इसलिए इंद्रियों के सुख में शाश्वतता नहीं है। इंद्रियों के सभी सुख क्षणिक हैं, और वो क्षणिक सुख भी आगे जाकर के अगर हम उन सुखों के बंधन में पड़ जाते हैं तो वो फिर दुखों का कारण बन जाता है, दुख का मूल बन जाता है। जब हम न्याय दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उसमें दुख की 21 सीढ़ियों का वर्णन करते हुए सुख, दुख और शरीर, ये 3 दुख की सीढ़ियां बताई गई है। तो इसमें जो सुख शब्द का प्रयोग किया है वो संसार के क्षणिक सुख के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि उस संसार के सुख के चक्र में फंस करके जीव अथवा चेतना शाश्वत सुख को भुला देती है और जन्म और मृत्यु के चक्र में वो लगातार घूमती रहती है। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इंद्रियों के सुख में शाश्वत सुख नहीं है अथवा शाश्वत आनंद नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जिन भी आनंद का हम अनुभव करते हैं वे अखंड अथवा शाश्वत नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि शाश्वत सुख कहाँ पर है? तो उसका चिंतन करते करते, उसके विषय में खोजते खोजते हमारे दर्शनकार मुनि कहते हैं, तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम। तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। तम आत्मस्थम अर्थात उस परमात्मा को आत्मस्थ होकर के आत्मदृष्टि से देखे बिना अथवा उसका अनुभव किए बिना शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की कल्पना करना व्यर्थ है। व्यवहारिक उदाहरणों से तथा दार्शनिक धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि संसार में शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख की अगर प्राप्ति करनी है तो हमें उस परब्रह्म की, उस परमात्मा की खोज अथवा उसकी प्राप्ति करनी होगी, तभी हम शाश्वत सुख को पा सकते हैं।